नागपुर में शीत सत्र अधिवेशन शुरू है। हर साल होने वाले इस अधिवेशन काल के दौरान सभागृह में कई बड़े बड़े मुद्दे गूंजते हैं, तो वही विधान भवन के बाहर भी कई मोर्चे दस्तक देते हैं और सरकार के कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए अपनी न्याय मांगों को रखते हैं। इन्हीं में एक आदमी जिन्होंने अपना नाम जयानंद सदाशिव परांडे बताया, इन्होंने कुछ अलग और गंभीर मुद्दे को उपस्थित करते हुए देश में भाजपा सरकार के सत्ताकाल के दौरान लोकशाही का खून हो रहा है और हुकुमशाही तानाशाही की जड़ें मजबूत होने का आरोप लगाया है। तो वही इन सब से बचने के लिए उन्होंने सरकार को ज्ञापन देकर कुछ सुझाव दिए हैं, जिसके माध्यम से लोकशाही की जड़ें मजबूत करने की बात कही है। नागपुर शीत सत्र अधिवेशन शुरू है और आज का पहला दिन है और इस विधानसभा भवन के परिसर में हमारे साथ जय आनंद पराडे नामक एक व्यक्ति मिले हैं, जिनका केंद्र की भाजपा सरकार और उनकी नीति को लेकर काफी रोष है और उनका कहना है कि लोकशाही का ये जो केंद्र सरकार है वो खून कर रही है। क्या है उनका कहना, किस बात के लिए उन्होंने इस बात की बात कही है, तो सीधा उनसे जानते हैं क्या कहना है आपका, क्या बताएंगे? तो मेरा तो ये कहना है कि गए जो 10 साल से हम जो बीजेपी सरकार से प्रशासकीय कामकाज को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका जवाब जो है पत्र व्यवहार बीजेपी सरकार सही तरीके से नहीं दे रही है। कायदा सुव्यवस्था हाथ में लेकर काम कर रही है और ऐसा लगता है कि बस जानवरों के शरीर का नागरिकों को चारा खिला के जिंदा रख रही है और जो भी जवाब आना चाहिए प्रशासकीय तौर पर वो नहीं आ रहा है और इसीलिए ऐसा लगता है कि बीजेपी के राज में हुकुमशाही बढ़ रही है और लोकशाही मर गई है। तो लोकशाही को फिर से जिंदा करने के लिए जो सुझाए गए जो मुद्दे हैं उसमें प्रशासकीय कामकाज और पत्र व्यवहार जो संबंधी जवाब अगर 60 दिनों के अंदर नहीं मिलता है तो ऐसे पार्टी को राष्ट्रपति की ओर से बर्खास्त करना चाहिए आदेश से। और दूसरी बात है कि देश में राष्ट्रीय जो हिंसाचार जाति धर्म के नाम पर बहुत बढ़ रही है, बीजेपी पार्टी जो है वो अपना धर्म साम्राज्यवाद बढ़ा रही है, तो यह देश में का जो धर्म साम्राज्यवाद है तो वो ख़त्म करने के लिए प्रशासकीय धर्म का निर्माण कर अप्रशासकीय धर्मों का पालन करने का स्वातंत्र मानवता के साथ देने का जो रिक्वेस्ट लेटर मैंने 5/8/19 को गवर्नमेंट के ऑफिस में दिया था उसका जवाब अभी तक नहीं आया है। सिर्फ 1000-2000 अकाउंट में दे के चारा खिलाने का जानवरों के शरीर का ये काम कर रही है। इसके खिलाफ बीजेपी सरकार हटाओ और देश बचाओ का नारा हम लगा रहे हैं। गए 10 साल से बहुत परेशान है बीजेपी की ओर से, अब इसके आगे हम क्या कहेंगे। हमारे तो तीसरा जो पॉइंट है जो पांचवा वेतन आयोग है, हमारे देश का पांचवा वेतन आयोग तक ही वेतन आयोग की जो सिफारिशें है वो लागू रहनी चाहिए, उसके बाद की जो सिफारिशें है वो रद्द करके उस वेतन का कनेक्शन देश के आमदनी के साथ कम ज़्यादा होना चाहिए। नहीं तो आज हमारे देश के जो प्रशासकीय लोग हैं वो दिन जाओ और पगार आओ पगार खाओ ऐसी वाली व्यवस्था हमारे देश की हो गई है और सवालों की जवाब नहीं भेज रही है। इतना कह के मैं आपसे विदा लेता हूँ और प्रशासकीय कार्रवाई तेज होनी चाहिए, यही मेरी रिक्वेस्ट है। नहीं तो अहिंसा पर अहिंसा के माध्यम से जो प्रशासकीय माध्यम है वो अहिंसा का माध्यम है देश को चलाने का। अगर उस पर से भरोसा उठ जाएगा जवानों का तो जवान लोग हिंसा की ओर बढ़ेंगे और इसका देश को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जय परांडे जी इन्होंने कहा है कि जो केंद्र की भाजपा सरकार है वो जातीय और हुकुमशाही की ओर बढ़ती जा रही है, जातीय राजनीति तक ही सीमित हो गई है और हुकुमशाही को एक तरह से वो स्वीकार कर रही है, ऐसा उनका कहना है। और इसके लिए उन्होंने कुछ सुझाव भी बताया है, प्रशासनिक तौर पर कार्रवाई अच्छे से गति से करने की उन्होंने सुझाव बताया है। जयानंद परांडे इन्होंने ज्ञापन के माध्यम से छाए मुद्दे कुछ इस प्रकार है। बीते 10 साल से बीजेपी सरकार के काल में लगता है लोकशाही मर गई और लोकशाही ने खुदकुशी कर ली है। लोकशाही को फिर से जिंदा करने के सुझाए गए मुद्दों से नियोजन और दोषियों पर कार्रवाई करने की बात उन्होंने की। प्रशासकीय कामकाज और पत्र व्यवहार संबंधी जवाब 60 दिनों के अंदर ना मिलने पर सत्ताधारी पक्ष के धनाकोश से 1,00,000 रुपए का मुआवजा और लिखित जवाब देना होगा। ऐसा ना करने पर सत्ताधारी पार्टी पर राष्ट्रपति के आदेश से बर्खास्तगी और पार्टी का परवाना रद्द होना चाहिए।
प्रशासकीय धर्म का निर्माण करके और प्रशासकीय धर्मों का पालन मानवता के साथ करने की आजादी देनी होगी। उसके लिए राज्य घटना को राष्ट्र धर्म का दर्जा देके उसके अंतर्गत जाति धर्म भेद मुक्त नागरिकता की तरतूद करनी होगी। ऐसा करने से जाति धर्म भेद मुक्त तरीके से चुनाव और गुणवत्ता के साथ भेदभाव नहीं होगा और गुणवत्ता उत्पन्न के आधार पर प्राधान्य देना सुलभ होगा। पांचवा वेतन आयोग तक ही वेतन आयोग की सिफारिश से लागू रहेगी। उसके बाद की वेतन आयोग की सिफारिशें रद्द करके उसका कनेक्शन देश के आमदनी के साथ कम ज्यादा होता रहेगा। जनता को शॉपिंग कस्टमर कंज्यूमर नंबर मुहैया कराना होगा। आधार से डीएनए टेस्ट रिपोर्ट अटैच करवानी होगी और सिर्फ 100 रुपए में 50 रुपए का टॉक टाइम और 3GB नेट फ्री होना। इस तरीके से मानवीय मूल्यों का उल्लंघन कर विकास करने वालों पर लगाम लगेगी। महाराष्ट्र TV 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट नागपुर।